हे गाइस, ये है हमारी लेक्चर का एट्थ लेक्चर का पार्ट टू। और इसके पहले हमने देख लिया था, डिज़ाइन कर लिया था और हमने कंक्लूड करा था कि अगर सपोर्ट दिए हों तो सपोर्ट के अकॉर्डिंग हम एक मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और जो हमारा शेयर फोर्स है उसका शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था कि आप उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसको याद कैसे रखना है, जैसे कि आपने अगर याद कर लिया 0.0341, ठीक है, इनटू डब्ल्यू आर करना है। तो नेक्स्ट कैसे याद रखोगे, बस इसी को रिवर्स करना है। तो कैसे रिवर्स करना है, 0.014 और यहाँ पे आ जाएगा 82। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट लोड। अब फिर से इसको रिवर्स कर दो, मतलब कि लास्ट के टू टर्म्स को, तो ये हो जाएगा 0.00827। फिर इसके बाद ये बस आपको याद रखना होगा कि 0.0365 डब्ल्यू आर है। अगर कोई और ट्रिक हो तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम देखेंगे चेक फॉर शेयर। चेक फॉर शेयर देखने के लिए ये होता है टॉर्शनल स्ट्रेस पर प्लस शेयर स्ट्रेस, और जो टॉर्शनल स्ट्रेस प्लस शेयर स्ट्रेस कम होनी चाहिए किससे, 0.4 FY से। तो 0.4 FY क्या है, परमिसेबल डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस है। 0.4 FY क्या है, परमिसेबल डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस है। तो यहाँ से हमने इसका वैल्यू निकाल लिया, 100 kN/mm² से ये कम होना चाहिए। अब टॉर्शनल स्ट्रेस कम होना चाहिए, टॉर्शनल स्ट्रेस को निकालते कैसे हैं। टॉर्शनल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है MT max / IP × T। ये आपको जो आपका कोड है, कौन सा वाला कोड, जो आपका ब्रिज वाटर टैंक डिज़ाइनिंग का कोड है 805, उसमें आपको ये मिल जाएगा फॉर्मूला। तो टेंशन स्ट्रेस के लिए क्या होगा, MT max / IP × T थिकनेस। यहाँ MT क्या है, मैक्सिमम टेंशन मोमेंट है। IP क्या है, IP जो आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी भी सेक्शन के लिए। T है उसकी थिकनेस, जो भी आपके एंगल की प्रोवाइडेड है। तो इसको आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, देखो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको चाहिए है IP की ज़रूरत। और IP कैसे निकालते हैं, IP निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, IP निकालने का फॉर्मूला होता है 4A²B² / 2A + B × T। तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, IP निकाल लेंगे। IP निकालने के बाद आप कहाँ रख देंगे, टेंशन फॉर्मूले में रख देंगे, ये वाले फॉर्मूले में। तो ये वाले फॉर्मूले में टेंशन शेयर स्ट्रेस, तो टेंशनल शेयर स्ट्रेस में रखने के बाद आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा टेंशनल शेयर स्ट्रेस का। अब इसके बाद आपको क्या मिल गया, सॉरी टॉर्शनल है वो, तो आपको टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस मिल गया है। अब आपको चाहिए है शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस क्या होता है, शेयर फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया किसका, एंगल का। तो ये हो जाएगा शेयर फोर्स, शेयर फोर्स अपॉन क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब ये शेयर फोर्स कहाँ से आया, इसके पहले हमने कैलकुलेट करा था कि शेयर फोर्स निकाला था हमने W/12 से। तो ये W/12 से हमने क्या निकाल लिया था, यहाँ पे शेयर फोर्स निकाल लिया था, ये निकाल लिया था हमने शेयर फोर्स। तो यहीं से आया है ये शेयर फोर्स। तो शेयर फोर्स निकाल लिया था, शेयर फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, हमने एंगल यूज़ करा था 200 और 150 का, और जिसकी थिकनेस थी 12, है ना। तो हमें कौन सा, लॉन्गर सेक्शन का लॉन्गर पार्ट चाहिए, जो है 200। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 200 × 12। तो यहाँ से हमें एवरेज शेयर स्ट्रेस निकल आएगा। अब कुछ नहीं करना है, एवरेज शेयर स्ट्रेस को हमें क्या करना है, इंटू करना है किससे, 1.5 से। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी हम वाटर टैंक की डिज़ाइनिंग करते हैं उस टाइम पर 1.5% जो आप ले रहे हैं, इसको आप क्या कर रहे हो, इसको आप फैक्टराइज कर रहे हो। 1.5 जो आप इंटू कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्योंकि इसको हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एवरेज शेयर स्ट्रेस। तो ये क्या हो जाएगा, 1.5 का इंटू करेंगे तो आपको मैक्सिमम मिल जाएगा। अभी ये एवरेज है, आपको निकालना था मैक्सिमम, तो 1.5 का इंटू कर दिया तो आपको क्या मिल गया, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस मिल गया। टोटल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल स्ट्रेस मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, टोटल स्ट्रेस निकाल लिया। अब इन दोनों को हमें क्या करना होगा, किन दोनों को,
ये जो हमने यहाँ पे निकाला था कौन सा, टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस, और एक और हमने निकाला था यहाँ पे टॉर्शनल निकाला था और यहाँ पे निकाला था हमने मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वैल्यू। और ये किससे कम होना चाहिए, 100 से कम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका लोड लग रहा है, ये जो आपने बीम बनाया है इस पे जो लोड लग रहा है, इस लोड के कारण कुछ मैक्सिमम शेयर फोर्स आ रहा है। और ये जो शेयर फोर्स और बेंडिंग स्ट्रेस, टॉर्शन वगैरह है, इनमें आपका सेक्शन क्या है, सफिशियंटली इतना अवेलेबल है, मतलब इतना ये अच्छे से इसको बेयर कर पा रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी ब्रेक नहीं होगा। तो ये एक छोटा सा सेशन है, थोड़ा सा बचा था हमारा। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट मैं साइलो बंकर करवाऊंगी, और इसके पहले मैं एक टी बीम का क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, टी बीम आरसीसी ब्रिज का। तो जिसको भी देखना है मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगी। और इसके बाद हम स्टील का करेंगे साइलो बंकर स्टार्ट। तो इसका फर्स्ट टॉपिक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसी में सब कुछ है, पूरा आपका जो भी यूज़ हो रहा है टेक्निक, वही मैं बंकर में सबसे पहले आपको वही समझाऊंगी कि कैसे लोड लग रहा है, कैसे हुप टेंशन आ रही है। सो आपका एक लाइक ही हमारा मोटिवेशन है, तो इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। घर में रहें, सुरक्षित रहें, टेक केयर।